अब हम इंडियन पॉलिटी के जो सवाल जो टेस्ट पेपर 3 में आए हैं उससे आपसे डिस्कस करते हैं और हम बताते हैं कि जो सवाल एग्ज़ाम में आते हैं उस एग्ज़ाम को कैसे आप आसानी से सॉल्व करेंगे और आपको सॉल्व करने का सही वे क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो पहला सवाल है, व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉल वैकेंट द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर आर परफॉर्म, कह रहा है कि जब संसद के लोकसभा है उसमें जो स्पीकर और उपाध्यक्ष दोनों ना हो तो ऐसी स्थिति में कौन करेगा। आप जानते हैं कि भारत में 3 ऑर्गन ऑफ स्टेट होते हैं। 3 ऑर्गन ऑफ स्टेट में जो पहला होता है वो आपका कार्यपालिका होती है जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, दूसरा जो होता है वो आपका लेजिस्लेटिव होता है जिसको हम विधायिका कहते हैं, और तीसरा जो आपका होता है वो जुडिशरी होता है जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं। तो कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, और विधायिका के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा जो होती है उसके जो का जो संचालन कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और यदि लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो वहां का उपाध्यक्ष करता है। तो यदि दोनों उपस्थित हों, तो यदि हम संविधान के अनुच्छेदों के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे और हम देखेंगे कि संविधान में कौन सा जो अनुच्छेद है वह इससे संबंधित हो, आप देखेंगे कि 95 में इसके बारे में चर्चा किया है कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित ना हो तो ऐसी स्थिति में कौन करेगा, पैनल ऑफ चेयरपर्सन। इसका देखिए रीजन है, सीनियर मोस्ट जो मेंबर होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना हो, लेकिन जो चेयरमैन का पैनल होता है जिसमें जो व्यक्ति बैठता है यदि दोनों अनुपस्थित होते हैं तो ये होते हैं, इनकी नियुक्ति जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन सदस्यों के द्वारा की जाती है। तो ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यदि दोनों ना हो और पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में कौन होगा, तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन होगा। बहुत लोग इस पे ऑप्शन मार देते हैं कि सीनियर मोस्ट पर्सन होगा, ये सही नहीं है। सीनियर मोस्ट जो पर्सन होता है वो जब कोई पद रिक्त होता है तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन जब अनुपस्थिति रहने के कारण होता है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों के द्वारा एक पैनल बनाया जाता है और इस पैनल के माध्यम से इसका निर्धारण किया जाता है कि यदि दोनों ना रहें तो वह पैनल का जो व्यक्ति होगा वह उसका चेयरमैन बनेगा, उसको हेड करेगा। सेकेंड, विद द रेफरेंस टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सूचना के अधिकार से संबंधित पूछा है। तो सूचना के अधिकार, आप जानते हैं कि जब भारत 2005 में सूचना के अधिकार को लागू किया, और आप जानते हैं कब लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को ये क्या हो गया, लागू हो गया। और जब ये लागू हो गया तब भारत में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से जो भारत एक पब्लिक जो गवर्नमेंट सेक्टर है उस गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी, भ्रष्टाचार की थी। तो वो अपनी सूचना नहीं देते थे कि जो उनको पैसा मिल रहा है वो पैसे को वो कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए अकाउंटबिलिटी उत्पन्न हो, उनके लिए उत्तरदायित्व की स्थापना हो, इसी के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, अब ये पूरे भारत में लागू हो गया जब से जम्मू कश्मीर को भी क्या कर दिया गया, अब भारत के 370 को समाप्त कर दिया गया, तो अब ये पूरे भारत में लागू हो गया है, अब इसके पहले ये लागू नहीं था। तो ये पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। द इंफॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट कैन बी ऑब्टेन इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, ये गलत स्टेटमेंट है। हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं उन ऑफिशियल लैंग्वेज में भी आप क्या कर सकते हैं, जो 8वीं अनुसूची में जो ऑफिशियल लैंग्वेज का वर्णन दिया गया है, 22 सूचियां दी गई हैं, अगर कोई लैंग्वेज है जो रीजनल लेवल पर चलता है जैसे तमिल में तमिल लैंग्वेज है, केरला में मलयालम है, कन्नड़ है जो आपके कर्नाटका में जो लैंग्वेज बोली जाती है, तो इस तरह की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेजों में भी आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ हम हिंदी और इंग्लिश में ही देंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नो फीस इज द चार्ज, इसके लिए ₹10 की फीस है और जो व्यक्ति गरीब है उनको इससे क्या कर दिया गया, बेवियर कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो आपका 1 और 3 जो ऑप्शन है वो राइट है।
अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के संबंध में, आप जानते हैं शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स होते हैं इनके एरिया के बारे में बात किया गया, तो ऐसे एरिया का वर्णन आप जानते हैं कि पांचवी अनुसूची जो है, पांचवी जो शेड्यूल है उसमें इसके बारे में वर्णन दिया गया है। पांचवी अनुसूची में गवर्नर को पावर दिए गए हैं कि जो है इसके बारे में कार्य करेगा। तो पहला जो क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रिकॉग्नाइज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट द एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि यह पावर किसको पास है, ये पावर गवर्नर के पास है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है द गवर्नर कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस एंड गुड गवर्नेंस फॉर शेड्यूल एरिया, ये स्टेटमेंट आपका सही है, इसका मतलब आपका कौन है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका राइट है, तो आंसर आपका टू होगा। अब हम 24 नंबर पर आते हैं, अंतरराज्य परिषद के बारे में बात की गई है, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, जो भारत के संविधान में कब दिया गया, भारत के संविधान में यह 263 में है, किसमें है, 263 में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बिकॉज इट क्वेश्चन रिलेटिंग टू फेडरलिज्म, संघात्मक व्यवस्था से संबंधित है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है डिविजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, तो ये ऐसी संस्था है जो कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है, कॉपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब सहयोगात्मक संघवाद की बात करता है, जहां राज्य और संघ दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को भारत के विकास के लिए भारत के प्रगति के लिए सहयोग करेंगे, जिससे उन राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो, इसी उद्देश्य से 263 में इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई, इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई, और किसमें बात की गई, 263 में। आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई। अब यह पूछता है कि यह जो आयोग है यह पुंछी आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया, जो ये आयोग का नाम दिया है यह आयोग कब आया है, 2007 में, और यह इंटर स्टेट काउंसिल कब स्टेब्लिश हुई, 1990 में। तो पहले ही अगर आप इसका ईयर जानते हैं तो आप तुरंत इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं कि यह स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि इसके आने के पहले ही इंटर स्टेट जो काउंसिल था जो 1990 से कार्य करना शुरू कर दिया था वह ऑलरेडी सेटअप हो चुका था। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, और चेयरमैन कौन होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, भारत का प्रधानमंत्री करता है। इसमें मेंबर्स कौन होते हैं, जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यों के यूनियन टेरिटरी के प्रशासक होते हैं, तथा 6 कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वह अंतरराज्य परिषद के मेंबर होते हैं। तो पुंछी आयोग सेटन और रिकमेंडेशन ऑफ पुंछी कमीशन, ये इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पे विभिन्न प्रकार की कमेटियों का रिकमेंडेशन आया, जैसे आपका प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार समिति, और सकारिया आयोग जब 1983 में बना, जो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में था, तो इसमें इस तरह की बात की गई कि आप एक ऐसी परिषद की स्थापना करिए जिसके माध्यम से यदि राज्य और संघ में किसी बात को लेकर विवाद होता है तो राज्य और संघ आपस में बैठकर मिलकर ये मुद्दा सॉल्व कर लें। तो ये राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषद को प्रशासित करने का अधिकार है, यह भी स्टेटमेंट आपका गलत है, राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार नहीं है बल्कि पार्लियामेंट को अधिकार है। द ऑर्डर ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये स्टेटमेंट आपका सही है कि यदि इंटर स्टेट काउंसिल कोई आदेश देती है तो ऐसे आदेश को हम क्या कर सकते हैं, हम चैलेंज नहीं कर सकते, कहां पर, कोर्ट में, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात कर रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार भारत में 1993 में पास किया गया और इसके माध्यम से भारत में जो विभिन्न प्रकार के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, यूनाइटेड नेशन जो डिक्लेरेशन थे, यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन थे, उस कन्वेंशन के लिए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के माध्यम से भारत के स्तर पर एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कर गई तथा राज्यों के आधार पर राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति की गई और यह जो इन्फोर्स हुआ वो 12 अक्टूबर 1993 को इन्फोर्स हुआ। कब हुआ, 12 अक्टूबर 1993 को, 1993 को। तो ये अब इसमें देखिए, इट कैन इंटरवीन द प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर ए कोर्ट इन्वॉल्विंग द वायलेशन ऑफ द
ह्यूमन राइट, इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ह्यूमन राइट को यह अधिकार नहीं है कि भारत की जो न्यायालय है उन न्यायालय से संबंधित जो ऑलरेडी रिट चल रही है उस रिट में वो कोई किसी प्रकार का इंटरवेन करें। इंटरवेंशन मतलब किसी भी प्रकार को अवरोध उत्पन्न करें, ऐसी कोई भी पावर ह्यूमन राइट कमीशन को नहीं है। दूसरा, इट इज़ अ फुल जुडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट बाई मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट्री फोर्स, पैरामेट्री फोर्स। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। आप जानते हैं कि आर फोर्स के में अगर मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो ऐसी भी स्थिति में मानवाधिकारों को कोई अधिकार नहीं है। फिर द कमीशन शुड बी इन्फॉर्म ऑफ द एक्शन टेकन ऑन इट्स विद इन वन मंथ, एक महीने की अवधि के भीतर सरकार द्वारा इसके सिफारिशों पर किए गए कार्यों की जानकारी दी जानी चाहिए। ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो राइट है। फिर हम आते हैं अगले पार्ट पे। अगला जो पार्ट है वो आपका मंत्रिपरिषद के बारे में बात करता है। वी आर अडॉप्टिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का सीधा सा सीधा मतलब ही होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का सीधा सा मतलब क्या होता है, यदि ये ऑर्गन है स्टेट के, मैंने बताया एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और आपका क्या है जुडिशरी है। तो जो आपके लेजिस्लेटिव है, मंत्रिपरिषद में कौन होता है, जो आपके संसद का सदस्य होता है वो मंत्रिपरिषद का मेंबर होता है। क्लियर पॉइंट रखिए एकदम, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो जब आप लेजिस्लेटिव का ये मेंबर है एग्जीक्यूटिव का, तो इसकी सदस्य ये उत्तरदायी कहाँ पे होगा, ये आपका लेजिस्लेटिव पे होगा अर्थात लोकसभा में होता है, जिसमें कहता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपुल, या जो लोकसभा के प्रति वो क्या होगा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर उत्तरदायित्व तो कहाँ है, लोकसभा के पास है, और लेजिस्लेटिव में क्या है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब ऐसी स्थिति होती है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का पार्ट जरूर है लेकिन उत्तरदायित्व तो कहाँ है, लेजिस्लेटिव पे है। तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि यदि ऐसा है तो जो स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं किस हद तक सही है। तो जब आपने नेचर को समझ लिया, तो आपको ये सवाल बहुत आसान सा लगेगा। अगर आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में कहीं घुमा दिया तो सवाल भी आपको क्या करेगा, घुमा देगा। तो देखिए क्या कह रहा है, द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर डिटरमाइन द पार्लियामेंट इज द राइट स्टेटमेंट। आप जानते हैं कि किसी के लिए अधिकार जो बनाने का अधिकार होता है वो किसको है, संसद को होता है, और संसद के पास ये पावर होता है कि वह पार्लियामेंट से संबंधित जो भी कानून है, जैसे नीतियां हैं, नियम है, आप जानते हैं व्हाट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या करता है, लॉ को मेकिंग करता है, लॉ बनाता है, और इंटरप्रेट कौन करता है, जुडिशरी करता है, एग्जीक्यूट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। तो पार्लियामेंट इससे संबंधित जो सैलरी है वो डिटरमाइन करेगा पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा। द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी टेकन इन द मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये आपकी गलत है। पद और गोपनीयता की शपथ ये किसके समक्ष लेता है, भारत के राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपके गलत है। द प्राइम मिनिस्टर शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7(7) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सारे जो गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन होंगे किसके होंगे, प्रेसिडेंट के नाम से होंगे। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के नाम से सारे कार्य होंगे, ना कि प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के नाम से कोई भी कार्य पूरे संविधान में नहीं है कि जिसमें होगा, सीधे से सीधे गलत। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा तो ये सवाल अपने आप सॉल्व कर देंगे, किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर बेसिक फंडा आपका क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। तो इसमें आपका कौन सा सही है, एक स्टेटमेंट आपका सही है पहला। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करता है। हम जानते हैं कि संविधान जब बना तो उस संविधान में कहीं पर भी मौलिक कर्तव्यों के बारे में कोई भी विवरण नहीं दिया गया था। संविधान में 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से भारत में क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। जब भारत को फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया तो उसके लिए कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। उस स्वर्ण सिंह कमेटी के माध्यम से, स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया उस रिकमेंडेशन के माध्यम से 8 फंडामेंटल ड्यूटी की बात की। लेकिन जब भारत के संविधान में इसको ऐड किया गया तो कुल मिला के कितने किए गए, कुल मिला के आपके 10 किए गए। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, जिसके माध्यम से राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार को इंक्लूड किया गया, वो इसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो इसके माध्यम से ये जो राइट है ये इन्फोर्सेबल राइट नहीं है, अर्थात इसको न्यायालय में आप इन्फोर्स नहीं करा सकते।
और यह जो लिया गया यूनाइटेड सोवियत संघ के से संविधान से लिया गया। तो अब आप देखिए जो स्टेटमेंट दे आर इंक्लूडेड पार्ट फोर, इट इज अ रॉन्ग, दे आर इंक्लूडेड पार्ट फोर ए। दूसरा, दे इंक्लूड बोथ सिविक एंड मॉरल ड्यूटीज, इट इज अ राइट स्टेटमेंट। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश के लिए वर्मा समिति बनी, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ओनली दो स्टेटमेंट आपका सही है, टू स्टेटमेंट इज अ राइट स्टेटमेंट। इसको मैंने बताया कि स्वर्ण सिंह कमेटी के माध्यम से इसकी बातें की गई। अब जो अगला सवाल है वो चिल्ड्रन राइट्स के बारे में है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद, ये सवाल आप हमेशा याद रखिएगा कि भारत का जो संविधान है उस संविधान के तहत, फिफ्टीन सब क्लॉज थ्री में चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात की गई है। 23 और 24 में यदि चाइल्ड से संबंधित कोई व्यापार दुर्व्यापार होता है या फैक्ट्रियों में, 24 में वर्क की बात करता है, 14 साल के नीचे की बात करता है, तो ये भारत में एक तरह से मूल अधिकारों का उल्लंघन है, अर्थात फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो ये कन्वेंशन हुए जो विश्व स्तर पे, उस विश्व स्तर पे भारत ने सिर्फ मिनिमम एज कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और राइट ऑफ चाइल्ड को अपनाया। जो कन्वेंशन किसके द्वारा किए गए, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसके माध्यम से किए गए। और ये सवाल आपसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि 138-182 जो कन्वेंशन नंबर है वो कन्वेंशन नंबर किससे संबंधित है। वो कन्वेंशन जो आपका संबंधित है वह आपका चाइल्ड के प्रोटेक्शन से संबंधित है, चाइल्ड के एज से संबंधित है। ये सवाल ऑलरेडी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन वो कन्वेंशन के रूप में पूछा गया है। तो इसमें जो है आपका टू और थ्री, यही स्टेटमेंट आपका राइट है, तो सी स्टेटमेंट आपका सही है। अगला है शहरी निकाय शासन के बारे में। तो आप जानते हैं शहरी निकाय को भारत के संविधान में, शहरी निकाय में भारत के संविधान के 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया गया। और 73वें से क्या किया गया, पंचायती राज किया गया, और इसी के साथ एक अनुसूची भी जोड़ी गई, जिस अनुसूची को हम क्या कहते हैं, 12वीं अनुसूची कहते हैं, और जिसमें कुल कितने सब्जेक्ट हैं, 18 सब्जेक्ट हैं। तो म्यूनिसिपलिटी, जो म्यूनिसिपलिटी के विकास के लिए जो चीज़ें हैं वो कार्य कर सकता है। तो इसके बारे में पूछ रहा है, ईच म्यूनिसिपलिटी एरिया इज डिवाइडेड इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन। आप जानते हैं कि भारत ने फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम अपनाया, इसके के माध्यम से विभिन्न, जो भारत का पूरा क्षेत्र है उसको विभिन्न विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया। जैसे हम लोकसभा का चुनाव करते हैं, जैसे हम विधानसभा का चुनाव करते हैं, वैसे ही चुनाव हम पंचायत और म्यूनिसिपलिटी में भी करते हैं। तो वही चीजें यहां पर भी अप्लाई होती है, ठीक है। फिर उसके बाद 1/3 सीट फॉर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। 1/3 सीट रिजर्व फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा, ए म्यूनिसिपलिटी रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द प्री मैच्योर डिसोल्यूशन रिमेन्स इन द ऑफिस फुल टेन्योर ऑफ 5 ईयर, यह भी आपका स्टेटमेंट सही है, गलत है। अर्थात सिर्फ ये समय से पहले 5 साल से कार्यकाल के लिए कार्यालय में बने रहने के बाद नगर पालिका का, ये मैंडेटरी नहीं है, इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हम मैंडेटरी कभी नहीं हुआ है, और मैंडेटरी होता तो जैसे ही पंचायत का चुनाव समाप्त, इसका कार्यकाल समाप्त होता है तुरंत चुनाव हो जाना चाहिए। ऐसा कभी होता है, नहीं होता, क्योंकि इट इज़ नॉट ए मैंडेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट कि वह चुनाव को तुरंत करवाए। लेकिन ये कहा जाता है, रूल्स है, ड्यूटी है स्टेट का कि विद इन 6 ईयर के पहले, 6 मंथ के पहले क्या करे, वो चुनाव को कंप्लीट कर दे, कि कोई अगर उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो वो कार्यकाल क्या हो, आगे बढ़े, ठीक। तो इसको आप समझिए, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, सिर्फ 1 स्टेटमेंट सही है, जिसका आंसर है बी, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, फ्रांस के संविधान से। फ्रांस में पहले ही हुई, जो फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति में लुई 16वां जा था, जिसने कहा मैं ही राज्य हूँ और मेरी इच्छा ही राज्य है, उसने अपने आप को स्टेट घोषित किया और कहा जो मैं कह रहा हूँ वही कानून है, वही राज्य है। तो उस समय लोगों ने मांग की कि हमें क्या चाहिए, लिबर्टी चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें बंधुत्व चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, फ्रांस के संविधान से आया, जिसे भारत ने अपने संविधान में क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। भारत का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है, जस्टिस की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, फैटर्निटी की बात करता है। तो भारत के संविधान ने कहाँ से लिया, ये फ्रांस से लिया, ठीक है। तो फ्रांस के संविधान में ऐसी बातें की गई, तो जिसका आंसर होगा आपका सी। निम्नलिखित में कौन सा
भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो ये आज में आप आएंगे तो फंडामेंटल लोकतांत्रिक राज्य, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि या फेडरलिज्म, जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो, अलग अलग लोगों के पास हो। तो इसमें क्या है, सेवन शेड्यूल। सेवन शेड्यूल क्या कहता है, सेवन शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, इसमें वो तीन लिस्टों को डिवाइड कर देता है, तीन लिस्ट आपके डिवाइड हो जाते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो डेमोक्रेटिक की बात करता है कि राज्य अपने क्षेत्र में, यूनियन को है पूरे भारत में, और कंकरेंट में दोनों बना लेंगे। तो ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक जो राज्य है और चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, उसका जो वो बात करता है वो आपका इसमें बात करता है सेवेंथ शेड्यूल में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, आप जानते हैं हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, और इसका चुनाव कैसे होता है, जो राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो प्रेसिडेंट, उनके माध्यम से उनका चुनाव किया जाता है। तो राज्य विधायिका को 15 दिनों की अवधि के भीतर राष्ट्रपति द्वारा वापस किए गए बिल पर पुनर्विचार करना होगा। ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है, क्या राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए बाउंड है, बाउंड है, बिल्कुल भी नहीं बाउंड है। ही कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ये स्टेटमेंट आपका सही है, वो मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। ही मस्ट गिव हिज असेंट टू ए बिल प्रेजेंटेड आफ्टर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इसे बिल में अपनी सहमति देनी होगी, राज्य विधायिका के पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत किया गया है, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो सिर्फ आपका दो स्टेटमेंट सही है। सवाल जो है एकदम बेसिक है, सवाल जो जो आपको क्लास में बेसिक पढ़ाया जाता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये क्लास में आपको नॉर्मली बताया जाता है, जब पावर ऑफ प्रेसिडेंट बताया जाता है, जब स्टेट में गवर्नर का पावर बताया जाता है कि गवर्नर किस चीज़ों को रिजर्व कर सकता है, कौन से बिल वो प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, जब अनुच्छेद 201, 202 देखेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक लंबा लिस्ट मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को आप लोग भी और आसानी से देख लीजिएगा। अगला जो है आपराधिक न्यायालय के बारे में बात कर रहा है कि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, इसकी 2002 में स्थापना की गई रोम संधि के माध्यम से। तो इसमें पहला है, इट इज़ अ प्राइमरी जुडिशियल ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशन का ब्रांच नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना कब की गई, 2002 में की गई। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई, 1944 में की गई। तो यह आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। इट वॉज फॉर्म अंडर द रोम इंस्टीट्यूट, ये स्टेटमेंट आपका सही है, जो रोम इंस्टीट्यूट 1998 में हुआ उसके अंतर्गत इसको किया गया। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ओनली ऑफ द टू सही, ठीक है, क्योंकि इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है। अगला, भारतीय संविधान की एकीकृत न्याय प्रणाली स्थापित करता है। एकीकृत न्याय प्रणाली का इंटीग्रेटेड प्रणाली क्या मतलब होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो कौन स्थापित करता है, देखिए, द पार्लियामेंट कैन इज सिंगल कोर्ट ऑफ टू एंड मोन स्टेट, द जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव बाई प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट गलत है ना, बिल्कुल गलत है। द पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश अ सिंगल कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट, ये स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि भारत के द्वारा, भारत में हाई कोर्ट जो है एक से अधिक राज्यों के लिए भी है। तो भारत में जितने राज्य हैं उतने हाई कोर्ट नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, एक से अधिक राज्यों के लिए भी वह कर सकता है। फिर अगला स्टेटमेंट आपका, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संसदीय विशेषाधिकार, जो आपके संविधान में अनुच्छेद 105 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में बताया गया है, और इसमें कहा है गया है कि नो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट गलत है, 105 में उसका वर्णन किया गया है। द पार्लियामेंट हैज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड फॉर देयर कोडिफिकेशन थ्रू सेपरेट लॉ, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। और फिर दे आर प्रोवाइडेड ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमेटी, उसे संसद तथा उसकी समितियों सभी सदस्यों को, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, इसमें आपका एक और तीन सही है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू, ये तो नॉर्मल सा आपका जीके बेस सवाल है, जो आप क्लास शुरू होने से पहले अंतरिम सरकार जब संविधान सभा का गठन होता है तो विभिन्न कमेटियों के बारे में बताया जाता है, तो उसी कमेटियों से ये संबंधित है, यूनियन स्टेट और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी है, इस कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और जो रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी है इसको राजेंद्र प्रसाद करते थे, क्योंकि उसके वो चेयरमैन थे। सीधा सीधा एक दो तीन, इट इज़ राइट स्टेटमेंट, उसके अलावा और कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये आपका 95 हो गया। अब आपका ये जो डिस्कशन था, ये डिस्कशन जो पोल्टी के सवाल टेस्ट 3 में थे, ये हमने आपसे डिस्कस कर लिया।